Hello Variety, I'm Shweta, your IELTS trainer and a motivational speaker. Welcome back to my channel, Sacred English Academy. If you have not subscribed this channel till now, go quickly and subscribe the channel because the tenses videos are already going on being uploaded on our YouTube channel. Quickly subscribe the channel and press the bell icon so that you could get the notification when I upload the videos on my channel. I hope you all are clear regarding the previous tenses, that was past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. And the first present tense is present indefinite. सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में. तो एक ऐसे ट्रुथ को जिसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ बोल देते हैं या फिर हैबिचुअल सेंटेंस बोल देते हैं, जो कि आपकी हैबिट है, आपको रोज करने की आदत है, वो ही चीज़ प्रेजेंट टेंस को यूजली शो करवाती है. एंड इसका हिंदी में पहचान का तरीका क्या है? एज यू कैन सी आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, इट्स ता है, ती है एंड ते है. फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता है. सो यू कैन सी कि जाता है के पीछे ता है लिखा हुआ है. सो जहाँ पे ता है, ती है और ते है आता है, वही सेंटेंसेस यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो करवाते हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में कि एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रुथ होता क्या है. यूनिवर्सल ट्रुथ एक ऐसा एक्शन है जो कि आपके हाथ में नहीं है, जो कि मेरे हाथ में नहीं है, बल्कि दैट इज इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड. मतलब ऐसे एक्शंस जो कि गॉड ही क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, आई रिटन अ सेंटेंस एज एन एग्जाम्पल फॉर यू ऑल. लेट्स रीड, द सन राइजेज इन द ईस्ट. जो सन है वो ईस्ट से निकलता है. सो क्या आप और मैं इस चीज को चेंज कर सकते हैं? नो, वी कांट. सन जो है वो ईस्ट से ही निकलेगा, वो वेस्ट से नहीं निकलेगा, बिकॉज इट इज ऑल इन द हैंड्स ऑफ गॉड, नॉट इन योर हैंड्स एंड नॉट इन माई हैंड्स. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमता है. कैन यू लाइक इफ कैन यू से कि जो अर्थ है वो मेरे आसपास घूम सकता है या आपके आसपास घूम सकता है? नो, इट कान हैपन, बिकॉज इट इज डेस्टिन्ड बाय गॉड. इट इज द एक्शन डन बाय गॉड कि जो अर्थ है वो सन के ही आसपास घूमेगा, किसी और चीज के आसपास नहीं घूमेगा. सो दैट मीन्स इट्स द यूनिवर्सल ट्रुथ. You and me can't change it. So, जहाँ पे universal truth की बात आती है वहाँ पे present indefinite का इस्तेमाल होता ही होता है. Next हम बात करते हैं habitual sentence के बारे में. Habitual word जो है वो habit के साथ बना हुआ है, मतलब जिस चीज़ को करने की आपको आदत है, आप उसको past में भी करते आए थे, आप उसको present में भी जारी रख रहे हैं and probability है कि आप आगे future में भी उसको जारी रखेंगे. For example, He goes to gym in morning. वो जिम में जाता है मॉर्निंग में. अब वो सिर्फ आज ही जिम में नहीं जाना शुरू हुआ, या फिर उसने आज ही इस आदत को नहीं बनाया कि वो जिम में जाएगा, बल्कि he goes to gym, मतलब उसकी आदत है, वो जाता है every day in the morning to the gym. So this is how present indefinite इन दोनों चीज़ों के साथ डिफाइन किया जाता है, and that is universal truth and the habitual sentence. तो चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंडर सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस के बारे में. आई हैव रिटन द रूल फॉर यू एंड द रूल सेज यू हैव टू यूज सब्जेक्ट फर्स्ट, देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड विद दिस वर्ब यू हैव टू यूज एस और ई एस. या तो आप एस का इस्तेमाल करेंगे या तो आप ई एस का इस्तेमाल करेंगे. एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज द यूसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. समझते हैं इस चीज से कि एस या ई एस का इस्तेमाल किन चीजों के साथ होगा. आई हैव रिटन हियर फॉर यू ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे. आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि ही, शी और इट के साथ आपको एस और ई एस का यूज करना है, और इन चारों कैटेगरीज में आपको एस और ई एस का यूसेज बिल्कुल भी नहीं करना है. आई एम रिपीटिंग, एस और ई एस का इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ ही, शी और इट वाले सेंटेंसेस के साथ करना है. आई, वी, यू एंड दे सेंटेंसेस के साथ आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल. लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एंड द एग्जांपल सेज
मोहन खाना खाता है. सो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी ता है, मौजूद है, जिससे वी कैन से कि दिस इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट ओनली. लेट्स कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश. अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश रूल वी हैव टू यूज द सब्जेक्ट फर्स्ट एंड द सब्जेक्ट हेयर इज मोहन. मोहन के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है जैसा कि हमारा रूल बोल रहा है. एंड विद द वर्ब यू हैव टू यूज एस और ई एस. सो आई हैव रिटन हेयर एस विद द वर्ब ईट. And at the end of the line, there is the use of the object in which is food here. I'm repeating this sentence. Mohan khana khata hai. Mohan eats food. This is how, agar main baat karti hoon, in charo mein se kisi sentence ko agar aapko bana ke batati hoon, to aapko ye dhyan rakhna hai ki aapko yahaan pe S aur ES verb ke saath nahi lagana. For example, main I ke saath bana ke dikhati hoon aapko. I eat food. So you can see here कि मैंने eat के साथ s या es बिल्कुल भी नहीं लगाया because I've told you कि इसके साथ s और es नहीं लगेगा. अगर मैं we के साथ sentence बनाती हूँ, we eat food. If I say you eat food और if I say they eat food. So इन चारों categories के साथ जब आपको sentence create करना है तो verb के साथ कोई भी s या es नहीं आएगा. सिर्फ और सिर्फ इन तीनों के साथ अगर आप सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो वर्ब के साथ एस या ई एस ज़रूर आएगा. सो मेक श्योर कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करें या ट्रांसलेट करें तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग ज़रूर चलें. आप रूल, जब तक ये रूल आपके माइंड में स्टिक्ट है तब तक आप मिस्टेक नहीं कर सकते. बट एज सून एज द रूल इज़ आउट ऑफ योर माइंड यू आर गोइंग टू मेक अ बिग मिस्टेक. सो मेक श्योर कि आप इस रूल को ज़रूर ध्यान दें. And now we have the negative sentence. So अब हम चलते हैं इसके negative sentence की ओर. And the negative rule says कि you have to use subject plus do or does, मतलब आपको इन दोनों में से एक चीज का इस्तेमाल करना है, plus not, plus verb की first form and plus object. So यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि do किसके साथ लगेगा और does किसके साथ लगेगा. Here I've written that does you have to use it with he, she and it. और अगर do की बात करते हैं तो do आपको use करना है I के साथ, we के साथ, you के साथ and they के साथ. आप इन दोनों को interchange बिल्कुल भी नहीं कर सकते because if you will interchange these two words तो आपके sentences गलत हो सकते हैं. So make sure कि आप he, she, it के साथ does का इस्तेमाल करें और I, we, you, they के साथ do का इस्तेमाल करें. So अब हम देखते हैं sentence की तरफ. सेंटेंस सेज मोहन खाना नहीं खाता है. जो ऑलरेडी हम सिंपल सेंटेंस में ये जो एग्जांपल यूज़ कर रहे थे उसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया है ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो. सो यहाँ पे क्योंकि ये नहीं को शो करवा रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस. तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रूल दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. एंड इट इज़ मोहन बिकॉज ही इज़ अ सब्जेक्ट. मोहन के साथ लगेगा डज क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बोल चुकी हूँ कि अगर ही की बात होती है, मतलब किसी लड़के की बात हो रही है, तो आपको इसके साथ डज का इस्तेमाल करना है. एंड आफ्टर दैट डज के साथ नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल, देन ईट विच इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट विच इज़ फूड. आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस. मोहन खाना नहीं खाता है. मोहन डज नॉट ईट फूड. अगर मैं बात करती हूँ इनमें से किसी वर्ड को पिक करके इसी सेंटेंस को चेंज करती हूँ. फॉर एग्जांपल मैं वी का यूज़ करती हूँ. हम खाना नहीं खाते हैं. वी डू नॉट ईट फूड. एज यू कैन सी मैंने वी के साथ डज का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि मैंने वी के साथ डू का इस्तेमाल किया बिकॉज मैं अपने रूल के अकॉर्डिंग जा रही हूँ जो कि मैंने बोर्ड में लिखा है. सो वी डू नॉट ईट फूड. सो यू ऑल्सो हैव टू गो लाइक दिस. डोंट इंटरचेंज द थिंग्स. मेक श्योर कि जैसा रूल आपको बताता है उसी तरीके से आप आगे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करें. सो चलिए अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ. इंटरोगेटिव मतलब जब आप कोई सवाल पूछते हैं. सो यहाँ पे हमने रूल लिखा हुआ है एंड द रूल सेज यू हैव टू यूज डू और डज सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस द ऑब्जेक्ट. I have written here the negative sentence again for you all ताकि आपको पता चले कि negative में से interrogative कैसे derive करना है. पर इसको सबसे पहले आप ignore करेंगे. First of all, we will read the interrogative sentence कि वो क्या कहता है.
क्या मोहन खाना खाता है? You can see at the end of the sentence here is a question mark. Question mark specifically show करवाता है कि आप जो लाइन बोल रहे हैं वो सवाल की तरह पूछ रहे हैं. So in English, जब इसको convert करना है तो negative में से interrogative कैसे create करना है, that I'll show you today. You can see here कि according to the rules, सबसे पहले आपको क्या के लिए do या does का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे मोहन की बात हो रही है, ही की बात हो रही है, तो आपको डज का इस्तेमाल करना है. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट अ लिटिल फॉर्मूला आई एम गोइंग टू गिव यू हियर. कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मोहन है वो वन नंबर पे था और जो डज है वो टू नंबर पे था. आपको सिर्फ क्रॉस सेक्शन क्रिएट करना है, जहाँ पे यू डज टू नंबर पे था वहाँ पे आपको डज को फर्स्ट नंबर पे लेकर आना है. और यहाँ पे मोहन फर्स्ट नंबर पे था और यू हैव टू keep it on the second position. और you don't have to use not here, क्योंकि इसमें कोई negativity की बात नहीं हो रही, सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है. तो आपको इसी तरीके से इसको create करना है. जो मोहन first पे था उसको आपको second में लेके आना है, क्योंकि ये subject second number पे है. जो does second पे था उसको आपको first number पे लेके आना है, as according to the rule. ये formula उन students के लिए है जिनको ये याद नहीं रहते, बट वो एक रूल में से बाकी सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स रीड द सेंटेंस अगेन. क्या मोहन खाना खाता है? डज मोहन ईट फूड? एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. सो डोंट गेट कंफ्यूज. बस आपको इस छोटी छोटी चीजों को याद रखना है जो कि आपको हम यहाँ पे समझाते हैं, ताकि आप आगे जाके मिस्टेक्स ना करें. सो लेट्स मूव ऑन टू इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव मतलब आप कोई सवाल भी पूछ रहे हैं, नेगेटिव मतलब आप उस सवाल को ना में होकर पूछ रहे हैं. एंड द रूल हेयर सेज दैट यू हैव टू यूज डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो चलिए हम समझते हैं इसको थ्रू द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल इज क्या मोहन खाना नहीं खाता है. यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे क्या भी यूज़ किया जा रहा है और नहीं भी यूज़ किया जा रहा है, जो कि कम्प्लीटली इसको डिफाइन करता है. मतलब ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी शो करवाता है. एंड अकॉर्डिंग टू द रूल हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? हमारे पास यहाँ पे है, क्योंकि मोहन की बात हो रही है तो आप यहाँ पे डज का इस्तेमाल करेंगे. आफ्टर दैट डज के बाद देयर इज अ सब्जेक्ट जो कि मोहन है. सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना है. Not के बाद there is the verb's first form and at the end there is the object which is food. So I'm going to repeat this sentence. क्या मोहन खाना नहीं खाता है? Does Mohan not eat food? So this is how आपको देखना क्या है, जब भी आप interrogative sentence की बात करें तो at the end of the sentence आपको एक question mark का usage करना है, जिससे ये पता चल जाता है कि वो एक सवाल की तरह आप आपको पूछ रहे हैं. और not हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हमारा negative चीज़ की बात हो रही है, इसीलिए we are using here not. So this is how this was all about the present indefinite sentences. अभी तक हमने बात की simple present tense की, negative sentence की, interrogative sentence की, interrogative plus negative sentence की. I hope all this is completely clear to you all. अगर अभी भी आपको कोई confusion है इन tenses में, आपको कोई query है, तो आप मुझे comment section में इस बात को ज़रूर जिक्र करें कि आपको किस चीज़ में problem आ रही है, ताकि when I look upon those comments, तो मैं उन चीज़ों को देख कर आपको उसी तरीके से reply करूँ. And if you have not subscribed this channel till now, do subscribe it, because these videos are going to be very, very much beneficial for you all. So please don't miss these videos. Press the bell icon so that आपको notification उसी समय पे आ जाए जब हम अपनी videos को upload करें. Like this video and share it with all of your friends. Thank you very much.